हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में चीनी मिट्टी के कप कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, अगर नहीं पता तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये कप फैक्ट्रियों में कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले चीनी मिट्टी की कच्ची सामग्री को मशीन में डालकर अच्छे से पीस कर पेस्ट बना लिया जाता है। फिर इस चीनी मिट्टी के पाउडर को क्वार्टज, फेल्डस्पार और पानी के साथ मिलाकर लगभग 15 घंटों तक अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है। इसके बाद इस चिकनी मिट्टी के पेस्ट को मोल्डिंग ट्यूब्स में भेजा जाता है, जिस कारण चीनी मिट्टी के लंबे लंबे बेलनाकार आकार बन जाता है। इसके बाद इन लंबे लंबे लोक्स को सिंगल सिंगल कप बनने लायक टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और कप के मोल्ड में डालकर सुखा देते हैं। और जब ये कप सूख जाते हैं तब इन्हें मोल्ड से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इनमें हैंडल लगाए जाते हैं। और हैंडल लगाने से पहले हैंडल पर चिकनी मिट्टी लगाई जाती है ताकि हैंडल कप पर अच्छे से चिपक जाए। उसके बाद वर्कर्स इन कपों से खुरदरेपन को हटाकर इन कपों को चिकनाई देने का काम करते हैं। अब इन कपों पर चिकनाई वाला परत चढ़ाने के लिए इन्हें एक एक करके चमकीले रोगन में डुबोकर बाहर निकालते जाते हैं, जिस कारण इन कपों के अंदर बाहर स्मूथनेस आ जाती है। ये हो जाने के बाद अब इन सभी चीनी मिट्टी के कपों को लगभग 12 घंटों तक एक जगह रखकर अच्छे से सुखा लेते हैं। अब इन सूखे कपों में रंग को परमानेंट बनाए रखने के लिए इन सारे कपों को गर्म ओवन से गुजारते हैं, जिसका टेम्परेचर 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इस तरह गर्म ओवन से निकलने के बाद इन कपों पर कलर स्थायी रूप से चढ़ जाता है। अब इन कपों पर कंपनी के नाम लगाकर पहली बैग में डालकर अच्छे से पैक कर देते हैं और मार्केट भेजने के लिए रेडी कर देते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही।